ये काम किसी नॉर्मल पुलिस अफसर के बस की बात है ही नहीं। वी हैव टू गेट दिस स्टॉप। इसके लिए हमें स्पेशलिस्ट चाहिए। करेगा कॉल टाइगर। भरोसा भी है, हिम्मत भी और ताकत और पागलपन। क्यों फ्लॉप रही भाई की लगातार दो फिल्में? क्या फैंस देंगे भाई को एक और मौका? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। पृथ्वीराज शमशेरा साल की मोस्ट हाइप फिल्म थी जो कि बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी। सलमान खान एक ऐसा नाम है जो 3 दशकों से बॉलीवुड और इंडियन सिनेमा के फैंस के दिलों पर राज करता आ रहा है। दोस्तों फैंडम और क्रेज ऐसा कि भाई के फैंस उनके लिए जी जान देने को तैयार रहते हैं। फिल्म हॉट हो या फिर फ्लॉप, फैंस का अपने सल्लू भाई के लिए प्यार कभी कम नहीं होता। ब्रेसलेट से लेकर हेयर स्टाइल तक भाई के फैंस अपने स्टार आइकन की हर एक चीज के रहते हैं दीवाने। जाने कितनी ही कॉन्ट्रोवर्सीज क्यों ना हुई हो केसेस पर भाई के लिए फैंस का प्यार कभी कम नहीं हुआ, बल्कि उतना ही और बढ़ गया है। साल 1988 में बीवी हो तो ऐसी से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाले सलमान खान ने एक से बढ़कर एक फिल्म इंडियन सिनेमा को दी है। मैंने प्यार किया और तेरे नाम जैसी फिल्में एक कल्ट के रूप में भी उभर कर आई है दोस्तों। पर गौर करने वाली बात यह है कि आजकल सलमान की फिल्मों का बुरा वक्त चल रहा है, या ये कहें कि दोस्तों वक्त ही सही नहीं चल रहा। उनकी मोस्ट अवेटेड फिल्म राधे श्याम बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिटी थी, या यूं कहें कि दोस्तों एकदम धुल ही गई है। राधे का नाम रिलीज से पहले जितना हाइप था, रिलीज के बाद उसने सिर्फ सन्नाटा ही सुना है। सन्नाटा ऐसा कि राधे नाम अब भाई के फैंस की जुबान पर ही नहीं आता। दोस्तों पता ही नहीं चला कब ये फिल्म आई और सिनेमाघरों से उतर भी गई, जो कि सलमान की फिल्मों के साथ होना अननेचुरल सा लगता है। दोस्तों सलमान की फिल्मों को फैंस ईद और दिवाली की तरह सेलिब्रेट करते हैं, पर इस बार तो कोई शोक सभा जैसा सन्नाटा छाया रहा। दोस्तों इसके बाद आई भाई की दूसरी फिल्म अंतिम, जिसका कंटेंट और स्टोरी थी काफी सॉलिड, पर औंधे मुंह बॉक्स ऑफिस पर पटकी गई। फिल्म एक गैंगस्टर ड्रामा एक्शन फिल्म थी और फिल्म में वो सभी चीजें थी जो आज की पब्लिक को चाहिए, पर फिर भी भाई की इस फिल्म को देखने कोई नहीं आया। जितनी जल्दी ये फिल्म लगी थी उतनी ही जल्दी उतर भी गई। अब एक फिल्म जो मोस्ट हाइप टिपिकल बॉलीवुड मसाला थी, जो दूसरी फिल्म का कंटेंट दमदार था, पर दोस्तों दोनों ही फिल्में फ्लॉप हो गई। ऐसा लगता है सलमान भाई के फैंस और स्टारडम धीरे धीरे कम हो रहा है, या यूं कहें कि खत्म हो चुका है। पर दोस्तों अपने सल्लू भाई हार मानने वालों में से नहीं है। वो फिर से लेकर आ रहे हैं अपनी मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म फ्रेंचाइजी टाइगर 3, जिसका टीजर सल्लू भाई ने 3 महीने पहले ही सोशल मीडिया के थ्रू रिलीज कर दिया था। फिल्म में बॉलीवुड मसाला भी है और कॉन्टेंट भी, यानी एंटरटेनमेंट का डबल डोज है। फिल्म में टाइगर एक बार फिर दुनिया में हो रहे क्राइम और वॉर से बचाएंगे लोगों को। और दोस्तों इस बार उनका मिशन है चाइना में। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और हथियारों से कैसी होगी इस बार वॉर, उसके साथ आ रही हैं दोस्तों कैटरीना, जिन्हें हमने टीजर में एक मार्शल आर्ट करते हुए देखा था। लगता है भाई इस बार न्यू सॉन्ग्स और मूव स्टाइल के साथ में दिखेंगे टाइगर 3 में। पर क्या उनकी ये फिल्म चलेगी, या फिर दोस्तों ये होगा सलमान खान के एरा का अंत, ये तो खैर अब हमें वक्त ही बताएगा। लेकिन जल्दी से आप हमें कमेंट से बताइए, क्या आप भी सलमान के फैंस हैं और कैसी लगी थी आपको राधे और अंतिम फिल्म, और कितने एक्साइटेड हैं आप आने वाली टाइगर 3 के लिए? दोस्तों जल्दी से अपनी राय हमें कमेंट से बताइए, साथ ही बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज को। हमारी आज की राइटर है जया भारद्वाज।